कि ज़िंदगी जीनी है तो शिद्दत से जियो दोस्तों, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है, या तो अल्लाह लेगा या मोहल्ला लेगा। मेरा नाम है प्रिंस, आप देख रहे हैं ऑटोमैक सर्जन, बने रहेगा वीडियो के एंड तक। आज हम आ गए हैं दोस्तों रायपुर स्थित जावा के शोरूम पे। ये शोरूम है NIT रोड स्थित राजकुमार कॉलेज के पास। मैं इसका पूरा एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और ये भी आपको फ्लैश भी हो रहा होगा दोस्तों, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। दोस्तों जैसा कि हम आ गए हैं अपनी गाड़ी के पास, ये है जावा की 42। जावा की तीन अलग वेरिएंट है, जो कि ये है अभी जो हम पर्टिकुलर जो ये मॉडल देख रही हैं, जावा की 42 है। एक जावा की आती है जावा क्लासिक और एक आती है जावा की परैक। वैसे अगर आप ये सोच रहे होंगे कि जावा की पहली गाड़ी कब लॉन्च हुई थी, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जावा की जो पहली गाड़ी जो लॉन्च हुई थी वो हुई थी 1929 में, जिसका नाम था जावा 500 OHV। ये शायद आपने कभी देखा नहीं होगा, बट आप ऐसा सर्च कर सकते हैं जावा की 500 OHV। और एक गाड़ी जो इंडिया में बहुत पहले आप अच्छे से जानते होंगे जावा की थी, एक यजदी, जो कि बहुत ही एक उम्दा बाइकों में से एक थी और जिन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आ जाते हैं हम इस गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। ये गाड़ी जो आप पर्टिकुलर आप देख रहे हैं, इसका जो कलर है ये लाइम मैट कलर में ये आपको देखने को मिलती है। इस गाड़ी की खासियत अगर हम देखना चाहें तो बताना मैं चाहूँगा, तो ये 300 cc की ये गाड़ी है, 297 समथिंग cc आती है, बट ये 300 cc के अराउंड हम इसे बोलते हैं। तो चलिए जावा 42 के बारे में हम जानते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चाबी से हम स्टार्ट करेंगे, कुछ इस तरीके की हमें इसकी की देखने को मिलती है। और ये की जो इंसर्ट होता है दोस्तों, ये होती है इस जगह पे, जो कि साइड में ये यहाँ पर इन होती है, यहाँ पर हम इसे इग्निशन जो ऑन कर बोलते हैं वहाँ पर हमें ऑन होती है। फ्रंट प्रोफाइल से बात करेंगे दोस्तों, वैसे ये जावा की 4 स्ट्रिप हम इसे बोल सकते हैं, जो कि अभी लेटेस्ट 2.1 भी आप इसे कह सकते हैं। सामने की प्रोफाइल से आप देखते हैं तो एक तो रेट्रो लुक आपको देखने को मिलता है, प्लस ये आप देखते हैं कि अभी जो जावा की ये जो 42 है इसमें आप देख सकते हैं कि हेडलाइट्स अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो पूरी गोल है, जो कि रेट्रो स्टाइल जो हम क्लासिक 350 में भी देखते हैं, एंड इवन दैट बेनेली में भी आपको देखने मिलता है दोस्तों। फ्रंट में आप जैसे कि आप देखते हैं आपको टायर प्रोफाइल से, तो मैं अगर बात करूँगा तो सामने को आपको जो टायर प्रोफाइल आप देख रहे हैं ये 18 इंच के हमें एलॉय व्हील टायर यहाँ पर हमें देखने मिलते हैं। कलर जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये लूमोस लाइम है, ये मैट में है दोस्तों, विथ यहाँ पर ये गोल्डन स्ट्रिप में आते हैं दोस्तों। सामने आप जो जिस तरीके देख सकते हैं इसमें आपको डिस्क आ जाते हैं, टेलीस्कोपिक आपको इसमें आपको शॉकअप देखने मिल जाते हैं दोस्तों। ये वाली प्लेसिंग आपकी नंबर प्लेट की, साइड इंडिकेटर जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साइड प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसा कि आप ये देखते हैं कलर मैंने आपको पहले ही बताया था, ल्यूमोस लाइम बोलते हैं दोस्तों। इसमें और अलग से डिफरेंट 6 कलर आते हैं इसके अलावा। इंजन प्रोफाइल के बारे में आप देख सकते हैं कि कितना भरा भरा सा दिख रहा है यहाँ पर इंजन। इस गाड़ी की एक खास बात और है दोस्तों कि ये गाड़ी हर मतलब जावा की हर गाड़ी ट्विन एग्जॉस्ट में आती है दोस्तों, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये आपको जैसे कि आप देख सकते हैं साइड में टंकी की आप पोजिशनिंग देख सकते हैं, प्लस यहाँ पर आप देखते हैं जो ये एग्जॉस्ट की जो है, जो कि पूरे स्टील क्रोम में आपको देखने मिलती है। बाकी ये जो कलर है मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। सॉकअप भी आप देखते हैं तो यहाँ पर ये आपको जो सॉकअप की पोजिशन है, प्लस यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये है, मतलब इसमें आपको दोनों फ्रंट में भी और रियर में भी आपको यहाँ पर आपको डिस्क देखने मिलता है। प्लस ये गाड़ी अभी जो कि अभी नई 2021 मॉडल है, इसे क्लासिक लेजेंड भी कहते हैं दोस्तों, और ये गाड़ी एलॉय में आती है दोस्तों। नहीं अगर पहले की अगर हम जावा को अगर देखते हैं अगर दोस्तों, तो वो सिर्फ स्पोक में आती थी दोस्तों ये। तो बेसिकली दोस्तों ये गाड़ी 4 स्ट्रोक बाइक है, 27 मैक्सिमम पावर हमें इसमें देखने को मिलता है BHP का, 27 BHP का, एंड जो हमें मैक्सिमम जो टॉर्क मिलता है दोस्तों वो 28 Nm का हमें इसमें टॉर्क देखने को मिलता है। तो और दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन हमें देखने को मिलता है इसमें दोस्तों। प्लस इस गाड़ी की एक और खासियत बात है कि गाड़ी के अगर वाइब्रेशन को जो रोकती है, पुरानी जैसे क्लासिक 350 में जो अभी उन्होंने चेंज कर दिया है, इस गाड़ी में भी हमें डबल क्रेडल देखने मिलता है दोस्तों, जो कि इसकी बैलेंसिंग को बहुत अच्छा इम्प्रूव करके रखता है। और दोस्तों इसमें आपको 6-स्पीड गेयर बॉक्स आपको इसमें देखने को भी मिलता है, मतलब आप इस गाड़ी को 120 की एक अच्छी स्पीड में आप इसे ले जा सकते हैं, तो एक अच्छा एक ऑप्शन है, मुझे ये थोड़ी अच्छी लगी।
हाँ, स्पीडोमीटर की अगर हम बात कर ले दोस्तों तो कुछ इस तरीके का इसका डिज़ाइनिंग देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको थोड़े से एक डिजिटली आपको मिल जाते हैं, बाकी है वैसे तो एनालॉग ही। यहाँ पर आप स्पीड देख सकते हैं, यहाँ आपको अंदर में आपको फ्यूल का भी आपको मिल जाता है, क्योंकि तो छोटा सा कॉम्पैक्ट भी दिया हुआ है लेकिन एक अच्छा लगता है। हैंडलिंग की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो ये शॉर्ट हैंडल टाइप से ही है, मतलब जब आप इसे बैठते हो और आपकी जो हैंडलिंग है, मतलब 300 CC की गाड़ी के हिसाब से इसकी जो हैंडलिंग है, मतलब एक स्ट्रेट पोजिशनिंग भी मैं आपको इसमें अभी बैठ के भी दिखा दूँगा अभी। प्लस यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर स्विचेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्लस यहाँ पर आपको इग्निशन ऑन ऑफ का मिल जाता है। इसमें एक बस मुझे कमी लगी बेनेली के मुकाबले, तो इसमें बस हमें 1000 लैंप नहीं मिलते जो कि अभी की बाइकों में दिया जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो इसमें 13 लीटर का हमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है। इसमें माइलेज की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो ये 35 से 40 का हमें पर लीटर एवरेज ही हमें प्रोवाइड करती है दोस्तों। और दोस्तों अगर इसके साइड मिरर के बारे में बात करेंगे तो देखते हैं कि यहाँ से कंपनी फिटेड हमें यहाँ पर साइड में हमें हैंडल के साइड में मिलते हैं। वैसे ऑप्शन हमारे पास नॉर्मली जिस जगह पर होनी चाहिए वहाँ पर भी है, बट अभी एक ट्रेंड चला आ रहा है अभी क्लासिक बाइक में, अगर इवन दैट सभी स्पोर्टी बाइक में आप इसे हैंडल में भी आप इस तरीके से फिट करवा सकते हैं आफ्टर मार्केट भी, बट जावा के शोरूम में ये हमें यहाँ से लगे लगे इनबिल्ट यहाँ देखने को मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों आ जाते हैं हम इस जावा 42 के बैक प्रोफाइल के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं 42 का हमें यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल जाता है, ये आपकी रियर लाइट आ जाती है दोस्तों, प्लस दो इंडिकेटर आ जाते हैं, ये नंबर प्लेट की पोजिशनिंग है आपको, प्लस एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है। इवन दैट अगर आप देखते हैं कि पीछे से दो आपको जो मैंने आपको बोला कि जावा की सभी गाड़ियों की ये एक खासियत है, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि जावा की हर गाड़ियों में आपको ये डबल एग्जॉस्ट मिलेगा आपको दोस्तों विद ट्विन स्पार्क। तो दोस्तों आ जाते हैं फाइनल कंक्लूजन में, प्राइजिंग के मुकाबले में ये गाड़ी मुझे क्लासिक की आरी एंड बेनेली की इम्पेरियल अगर मैं बोलना चाहूँ तो रेट में अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली सभी इक्वल हैं। इस गाड़ी की जो प्राइजिंग है वो 2,02,000 से लेके 2,45,000 तक जाती है, जो कि आप थोड़े डिफरेंट कलर में भी आप जाते हैं विथ एसेसरीज़। ये आप मैं आपको जो बता रहा हूँ ये ऑन रोड प्राइजिंग बता रहा हूँ। अब आते हैं कंपैरेटिवली ये गाड़ी अच्छी बेनेली से क्यों है और आरी से क्यों है। सबसे पहली बात, इसमें लिक्विड कूल इंजन हमें इसमें मिलता है जो कि आरी की 350 में नहीं है और ना ही बेनेली की इंपेरियल में। और सबसे अच्छी बात, इसमें ट्विन एग्जॉस्ट है विद ट्विन स्पार्क भी आपको देखने को मिलता है इसमें दोस्तों। प्लस ओवरऑल इस गाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो 10 out of मैं इसे 10 दूंगा। तो दोस्तों ये था अब तक का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। जो आप ऊपर देख सकते हैं वो बेल का बटन आप दबा दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।